गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइक एंड बाइट्स एडवेंचर। राइड पे आज निकल चुका हूँ और ये राइड है आज सनराइज देखने का लोनावला में। और देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा कुहासा आज, और आज प्लानिंग ये है कि लोनावाला में सनराइज़ देखा जाए। बहुत दिन से मैं सोच रहा था एक ऐसा प्लान ट्रिप बनाने का। लोनावाला यहाँ से कुछ ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से, और ये जाएंगे हम ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से। तो अभी टाइम हुआ है सुबह का 6:42 और आज सनराइज़ का जो टाइम है वो अराउंड 7:30 का है पुणे में। तो आई होप मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइक एंड बाइट्स एडवेंचर। तो फाइनली एडवेंचर स्टार्ट हो गया अपने चैनल पे, और लोनावाला का आज सनराइज़ देखने का टाइम आ गया है। तो चलते हैं, एंजॉय करते हैं सनराइज़ को आज लोनावाला में। मौसम बहुत ठंडा है अभी पुणे में, तो फ्रेंड्स एक्चुअली मैं राइड करने में बहुत मज़ा आता है। आप सुबह सुबह खासकर अगर अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हो तो बहुत अच्छा मज़ा आता है, और ख़ासकर पुणे के अराउंड तो आपको पता ही है वेदर बहुत अच्छा होता है। तो प्लानिंग यही है कि लोनावाला में लाइन्स पॉइंट के अराउंड कहीं किसी अच्छे से जगह पे खड़े होके और सनराइज़ का मज़ा लिया जाएगा, और फिर वहाँ से चाय पी के वापस अपने घर को आना है। तो एक शॉर्ट राइड, और ये मेरी दूसरी राइड होगी। पहली राइड आप लोगों ने देख ही चुका होगा मेरे चैनल पे, और अगर नहीं देखा है तो मैं वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये मेरी सेकेंड राइड है अपने चैनल बाइक एंड बाइट्स एडवेंचर के लिए, और एक लॉन्ग राइड प्लान करनी है बट अभी डिसाइड नहीं। एक्चुअली मैंने जगह का डिसाइड कर लिया है बट अभी घर वालों को मनाना बाकी है। कुछ वीडियोस बन जाएंगे, जब वो वीडियो देखेंगे तो आई होप कि मान जाएंगे। तो यही है अभी, और वो लॉन्ग ड्राइव कहाँ की होगी क्या होगी वो मैं उसी दिन बताऊंगा जिस दिन स्टार्ट करूंगा। बहुत मज़ा आएगा उसमें अगर स्टार्ट हुई वो लॉन्ग ड्राइव। तो बाकी अभी बाइक में भी कुछ उसके RTOs वगैरह के रजिस्ट्रेशन वगैरह बाकी हैं, तो इस वजह से भी जैसे कि आपको पता है कि ये नई बाइक मैंने ली है तो इसके RTO वगैरह के बाकी है अभी प्रोसेस, तो इसलिए भी लॉन्ग ड्राइव में थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट जाएंगे पक्का, ज़रूर जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लोनावाला है मुंबई है 133 किलोमीटर, और लोनावाला अराउंड 40 किलोमीटर। तो ये ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है, और इस साइड आप देख सकते हैं एक पहाड़, इसको घोड़ेश्वर पहाड़ी कहते हैं। तो इधर ये ट्रैकिंग का बहुत अच्छा जगह है इधर, तो आपको कभी ट्रैकिंग करने का मन हो तो आप यहाँ आ सकते हो, बहुत अच्छा है ट्रैकिंग का ये जगह। तो ये तलेगांव का टोल प्लाजा है, और जैसे कि आपने मैं फर्स्ट राइड का वीडियो देखा होगा, फर्स्ट मोटर ब्लॉगिंग का, तो आज उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। आज मोर कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग, बाइक के मैटर में भी, राइडिंग गियर्स के मैटर में भी, आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल देन माय फर्स्ट वीडियो। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड सब कुछ अच्छा लग रहा है आज तो। आज तो लग रहा है कि निकल जाओ लॉन्ग राइड पे, कुछ 500,000 किलोमीटर का राइड कंप्लीट कर लो, बट टुडे इज़ नॉट द राइट टाइम। राइट टाइम विल कम सून, फिर हम साथ में चैनल पे इंजॉय करेंगे राइड को। एक पहाड़ आता है मुंबई, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे, तो उसका व्यू भी
भी अच्छा होता है। और मुझे इससे सबसे बेटर इसका लगता है जब इस पहाड़ को क्रॉस करो, उसके बाद बहुत बड़ा एक ग्रीनरी एरिया दिखता है, मैदान सा, वो व्यू बहुत अच्छा होता है यहाँ का। लेट मी शो यू दैट व्यू। मैं इस वाले व्यू की बात कर रहा हूँ, इधर अभी फॉग की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इधर बहुत अच्छा व्यू आता है। बहुत बड़ा सा ये लैंड है, बहुत बड़ा सा ये जगह है और पूरी हरियाली है इसमें, इसका व्यू बहुत अच्छा आता है। इधर का पहाड़ है, हरियाली है। आई होप कि मैं थोड़ा बहुत दिखा पाया हूँ। तो बाकी अभी तो बस राइड का एंजॉय हो रहा है। ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे का एक ये भी बहुत अच्छा व्यू आता है, इधर से ट्रेन का ट्रैक, उसके बगल से रिवर। ये सेकंड सबसे अच्छा व्यू है, फर्स्ट जो मैंने बताया आपको, ये वाले व्यू की बात कर रहा हूँ मैं। लोनावला में एंटर कर चुका हूँ और जैसे ही ये ओवर ब्रिज आता है तो समझ लो आप लोनावला घुस चुके हो। और ये ऊपर से एक्सप्रेसवे वाला रोड जा रहा है, ऊपर जो आप देख रहे हो ट्रक वगैरह जो जा रहा है, तो एक्सप्रेसवे से अगर आप कार से आते हो तो इधर से भी आ सकते हो। और मैं तो लेक का पानी बिल्कुल सूखा हुआ इस साइड, पानी के अंदर पीछे के साइड है, बट ये व्यू भी बहुत अच्छा है। बारिश के टाइम में यहाँ काफी बहुत सारे वाटरफॉल बनते हैं, तो पूरा लोनावला ही ऑलमोस्ट वाटरफॉल रहता है बारिश के टाइम में, काफ़ी अच्छा व्यू होता है बारिश के टाइम में यहाँ का। लिटरली मैंने बारिश के टाइम में यहाँ से रोड पर से पानी जाते हुए देखा है, पूरा ये पानी से भरा रहता है एरिया, वाटरफॉल बहुत ही मस्त भी होता है बारिश के टाइम में लोनावला का। अब यहाँ पे थोड़ा शार्प टर्न वगैरह आते हैं पहाड़ में, इसलिए स्पीड नॉर्मल रखना पड़ता है, बहुत सारे नॉर्मल शार्प टर्न आते हैं। अब पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है और ये ऑलमोस्ट पूरे लास्ट तक रहती है, टाइगर पॉइंट तक। यहाँ का व्यू इतना अच्छा होता है कि आपको मन नहीं करेगा आप गोप्रो बंद करने का, इसलिए मैं गोप्रो ऑन ही रखा हूँ। बहुत ही सही व्यू होता है। आई होप कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। ये सबसे शार्प टर्न है, और टर्न मैं ऑलमोस्ट माउंटेन के पीक पे पहुंच चुका हूँ, कहीं पे भी रुक सकता हूँ मैं जहां से सनराइज प्रॉपरली दिखे।
देखो आप इस व्यू को अगर आप बारिश में आओ ना। सहारा के एमबी वैली भी यहीं पे है। आप नीचे आपने वो डायरेक्ट सपोर्ट देखा होगा, यहाँ से 14 किलोमीटर पड़ता है वो, एमबी वैली भी यहीं पे है। आई होप कि आपको ये राइड अच्छा लग रहा होगा पहाड़ों में, इस तरह से बहुत ही मजा आता है ऐसे राइड करने में पहाड़ में। के बाद आई थिंक टाइगर्स पॉइंट्स और लाइन पॉइंट्स सारे पॉइंट्स आते हैं। ये देखने के लिए आया था मैं सनराइज। मैं बस कहीं देखना हो चाहता था कि बाइक को अंदर ले जा सकूं, बट मुझे लगता नहीं है कि मैं ले जा पाऊंगा, जगह जगह रेस्ट नहीं लेना मुझे। बट मैं जहां लेके जा रहा हूं वो एक डिफरेंट और बहुत ही अच्छा जगह है। डिफरेंट व्यू आता है आई थिंक। थोड़ी ऑफ रोडिंग का भी मजा लिया जाए और फिर देखते हैं जो मैं सोच रहा हूँ ये वही जगह है कि नहीं। आपको ये वीडियो पसंद आएगा और लोनावला ऐसे जगह है जहाँ कि आप कभी भी आ जाओ क्योंकि बारिश के टाइम में, स्पेशली बारिश के टाइम में तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही पीसफुल जगह है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।